नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं को स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। आज परमपिता परमात्मा आज के वरदान में या ब्लेसिंग में हमें क्या सिखाते हैं, वो भी परमानेंट शांति और सुख कैसे इस जीवन में, इस कलयुग में जहाँ चारों तरफ अंधकार है, दुनिया में दुख है लोगों के, इंसानों के जीवन में, तो इस समय पर परमात्मा चाहते हैं कि हम वो सुख महसूस करें जो कि हमें न आँख से, न मुख से, न जीभ से, न कान से, न त्वचा से मिल सकता है। मतलब कि अति इंद्रिय सुख, इन इंद्रियों से अलग सुख। तो देखें बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं टाइटल में, संगम युग पर, ये संगम युग चल रहा है, पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। अब दुनिया वालों के लिए तो कलयुग चल रहा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जब घोर अंधकार होता है, कलयुग मतलब कि अंधकार, जहां पर कालापन है, तो रात के बाद में क्या आता है, 12 बजे के बाद में दिन आना शुरू होता है। तो ये कलयुग का अंत का समय है, और अभी जो बीच का जो समय होता है 12 बजे से 4 बजे का समय, वो होता है आपका बीच का समय। तो परमात्मा कहते हैं ये संगम का समय, वो बीच का समय चल रहा है 12 से 4 बजे का। तो सवेरा होने वाला है मतलब कि कलयुग का अंत, और सत्ययुग मतलब कि स्वर्णिम युग इस धरती पर, मतलब कि स्वर्ग इस धरती पर फिर से बनने वाला है। तो ये करेंगे कौन, ये तो परमात्मा के करते हैं। कोई मनुष्य आत्मा तो नर्क को स्वर्ग बना नहीं सकती, और नर्कवासी आत्माओं की सोच को परिवर्तन करके स्वर्गवासी जैसे तो दिव्यता वाली देवताओं जैसी सोच तो बना नहीं सकती, इसलिए पतित पावन परमपिता परमात्मा को आके करना पड़ता है। तो संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। विस्तार में चलते हैं। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, करेंगे किससे, परमात्मा के प्रेम से। या तो दुनिया से प्रेम करें, दुनिया की चीजों से प्रेम करें, दुनिया के इंसानों से प्रेम करें, नहीं तो परमात्मा से प्रेम करें। उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, वर्षा मतलब प्रॉपर्टी, गॉड की प्रॉपर्टी क्या है, प्रेम सुख शांति, लेकिन उसके पहले क्या, ज्ञान, सत्य ज्ञान मिलेगा तभी तो सुख शांति आएगी। तो परमात्मा हमें क्या देते हैं, धन दौलत नहीं देते हैं, घर बंगला नहीं देते हैं, गाड़ी बंगला नहीं देते हैं, बच्चे पति पत्नी नहीं देते हैं परमात्मा हमें, परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, तभी उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती, मतलब गोल्डन एज, कॉपर एज, सिल्वर एज और आयरन एज में नहीं होती है। कब होती है, संगम युग पर होती है, ना सत्युग में होती है, ना त्रेता में होती है, ना द्वापर में होती है, ना कलयुग में होती है। कब होती है, लास्ट के समय, 12 से 4 के बीच का समय जो होता है, जिसे कहते हैं संगम युग पर होती है। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अंधकार के समय, रात के समय जब बच्चा गिर जाता है कीचड़ में, पहले तो बाप देखता है कि बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जब बिल्कुल दुविधा में पड़ जाता है बच्चा, तभी बाप आता है मदद करने के लिए। घड़ी घड़ी मदद करेगा, हर एक युग में आकर के मदद करेगा, तो बच्चा कभी संभलेगा नहीं। तो बच्चे को सीख दी, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, अपना पाठ बजाया, लेकिन पार्ट बजाते बजाते बच्चे ने क्या किया, लास्ट में गंदा करना शुरू कर दिया। तो फिर लास्ट में आकर के विश्व का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिसको कहते हैं गॉड फादर, जनरेटर ऑपरेटर डायरेक्टर, वो धरती पर आते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। और जब वो आते हैं उस युग को कहते हैं 12 से 4 के बीच का समय, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच का समय होता है चक्र में, जिसको आता है संगम युग। तो परमात्मा धरती पर आकर के हमें अति इंद्रिय सुख कैसे महसूस करना है, क्योंकि सारी आत्माएं इंद्रिय सुखों के में पड़ी हुई हैं, आंखों के, नैनों के, कानों के, मुख के, त्वचा के सुखों में फंसी हुई हैं। तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी जब तक वो इस इंद्रियों से दूर होकर के आत्मिक सुख ना महसूस करें, अपने सच्चे स्वरूप का सुख ना महसूस करें, तो वो कौन सिखा सकता है, केवल परमपिता परमात्मा। तो ये है क्या सुख, अति इंद्रिय सुख, इसको महसूस कैसे करें, इसके लिए आपको गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या गॉडली ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के सीखना पड़ेगा। और वो कहाँ है, वो है ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो कि हो सकता है आपके ही घर के आजू बाजू कहीं ना कहीं हो, वैसे देखा जाए तो 150 देशों में ये फैला हुआ है।
तो इसी के साथ आपका दिन सुखी हो, आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें. ओम शांति.